हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवन टे टेन यूट्यूब चैनल। लेवन टे टेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइन साइन ही इज इन लव विद यू, मतलब कि ये नाइन संकेत है कि वह आपसे प्यार करता है। ये नाइन संकेत है वो आपको प्यार करती है। ये नाइन संकेत जो बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, वो आपको चाहता है। बहुत सारे लोग ये जज ही नहीं कर पाते हैं कि उनका पार्टनर उनको प्यार करता भी है या नहीं। बहुत सारे लोग ये चेक ही नहीं कर पाते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें कितना चाहता है, कितना प्यार करता है। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो को देखने के बाद, ये नाइन साइन देखने के बाद, आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है, वो आपको वाकई में चाहता भी है या नहीं। ये सब कुछ आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पर ये नाइन साइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही टॉप मोस्ट रिसर्च करे हुए हैं। वैसे मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट अपनी वीडियो में बताए हैं कि कैसे पता करें कि हमारा पार्टनर हमें चाहता भी है या नहीं, वो हमें प्यार करता भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये नाइन साइन उनसे सबसे अलग हैं। रिसर्च करे हुए हैं, टॉप मोस्ट नाइन साइन जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता भी है या नहीं, मतलब कि ये साइन बताते हैं कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला साइन है, सबसे पहला संकेत है जो बताता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, तो वो ये है कि ट्रस्ट मोर देन माई सेल्फ, मतलब कि खुद से ज्यादा भरोसा करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको प्यार करता होगा, आपको चाहता होगा, तो उसमें ये साइन जरूर दिखेगा कि ट्रस्ट मोर देन माई सेल्फ, मतलब कि खुद से ज्यादा भरोसा करना। जब भी आप अपने पार्टनर से पूछते हैं कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, तो आपका पार्टनर बोलता है, उधर से जवाब आता है कि मैं आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, यहाँ तक कि मैं आप पर इतना भरोसा करता हूँ कि आंख बंद करके भी मैं भरोसा कर सकता हूँ, मैं आंख बंद करके आप पर भरोसा कर सकता हूँ, आप पर भरोसा करता हूँ। तो अगर ऐसा आपका पार्टनर बोलता है, कहता है, ये संकेत है, ये साइन अगर आपको रिलेशनशिप में मिलता है, अपने पार्टनर की तरफ से मिलता है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा चाहता है, वो आपको प्यार करता है। और अगर ऐसा पार्टनर आपको मिला है जो आप पर भरोसा करता है आंख बंद करके, तो यहाँ पर आप बहुत ही लकी हैं। ऐसे पार्टनर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोग बहुत ही रियल लोग होते हैं जो आंख बंद करके भरोसा करें, आपको प्यार करें, तो कभी भी आपको अपने पार्टनर के भरोसे को नहीं तोड़ना है। आपको भी वहां पर रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को प्यार करना है। बस आप ये चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, अगर ऐसा साइन आपको मिलता है तो आप यहाँ पर समझ जाइए वो आपको प्यार करता है, चाहता है। तो ये फर्स्ट साइन हो गया, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे साइन के बारे में, दूसरे संकेत के बारे में। तो दूसरा साइन है जो बताता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, वो ये है कि टेल्किंग समवन इल्स, मतलब कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना, ज्वलनशील होना। अगर ऐसा आपको अपने पार्टनर की तरफ से दिख रहा है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना, मतलब कि टेल्किंग समवन इल्स, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी तीसरे पर्सन की, किसी और इंसान की अपने पार्टनर के सामने बात करते हैं, तब वहाँ पर वो रोने लगता है या गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ापन, जलन सी उसे फील होने लगती है। मतलब कि आप अपने पार्टनर से किसी ऐसे इंसान की बात करते हैं जो आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि हम दोनों के बीच में वो इंसान आए, तो ऐसे इंसान की आप बात करते हैं तो वहाँ पर वो चिड़चिड़ापन करने लगता है या जलन सी उसे होने लगती है। तो यहाँ पर ये संकेत है कि वो आपको चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हम दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो, कोई तीसरा इंसान आए जिसकी वजह से हमारा पार्टनर हमें, मतलब कि ना चाहे या छोड़ के जाए, तो ऐसा वो कुछ भी नहीं चाहता है। अपना रिलेशनशिप सेफ एंड सिक्योर रखना चाहता है, इसलिए वो आप पर गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन करता है, जलन सी फील होती है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो ये संकेत है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, चाहता है। कभी आपको चेक करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको देखना है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई तीसरा पर्सन हो जिसे वो ना चाहता हो कि आप दोनों के बीच में आए, आप उससे बातें करें, वो ना चाहता हो, तो आप उससे बातें करके देखना, जिसे वो जलता हो, जलनसी उसे फील होती हो, तो आप चेक करके देखिएगा। अगर वो गुस्सा करता है, जलनसी उसे होती है, चिड़चिड़ापन होता है, रोना आता है, तो यहां पर आपको पता लग जाएगा कि वो आपको कितना प्यार करता है, मतलब कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपको पार्टनर मिला तो यहां पर भी आप बहुत ही लकी हैं। इस पॉइंट से भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है। तो ये दूसरा संकेत हो गया, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो तीसरा साइन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप चेक कर पाएंगे, ये भी ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है। तो तीसरा साइन है फियर ऑफ लॉस्ट, मतलब
मतलब कि पार्टनर के अंदर खोने का डर। अगर आपके पार्टनर के अंदर ऐसा दिखता है, आपको उसके अंदर फियर ऑफ लॉस्ट दिखता है, जब भी आप उससे दूर जाते हैं तो उससे ऐसा लगने लगता है कि आप उसे कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, वो आपकी केयर करने लगता है। जब भी आप उससे दूर होते हैं वो केयरनेस दिखाने लगता है, आपको कॉल मैसेज करके बार बार पूछता है। तो यहाँ पर उसे फियर ऑफ लॉस्ट है, मतलब कि उसे जब फियर ऑफ लॉस्ट लगने लगे तो यहाँ पर आपको समझना है, ये संकेत है, बताता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। उसे डर रहता है कि आप उसे कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, इसलिए कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। तो इस संकेत से भी आपको समझ जाना है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, चाहता है। तो ये तीसरा साइन हो गया, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। तो फोर्थ साइन है अपनी सारी बातें आपसे शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा भी आपको दिख रहा है आपको अपने पार्टनर की तरफ से कि वो आपको अपनी सारी बातें बता देता है, आपके साथ शेयर करता है, वो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या अपने फ्यूचर से रिलेटेड हो, जिस तरह की भी वो बातें हों वो आपके साथ शेयर करता है, हर एक बात बताता है, कोई भी राज आपके साथ नहीं रखता है, तो यहाँ पर भी ये संकेत है, ये साइन है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, आपको चाहता है। अगर ऐसा आपका पार्टनर मिला है जो आपसे कुछ भी नहीं छुपाता है तो आप बहुत ही लकी हैं। ऐसे पार्टनर के साथ आपको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, आपको भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, आपको भी उसे अपनी सारी बातें बतानी चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा ना रहे, कुछ भी राज ना रहे और आगे कोई भी गलत फहमियां ना आए आप दोनों के बीच में। तो अगर ऐसा है, ये संकेत मिल रहा है, तो यहां पर समझ जाना कि वो आपको प्यार करता है, इसीलिए वो आपको अपनी सारी दिल की बातें बता देता है और आपको भी बता देनी चाहिए उसे अपनी सारी दिल की बातें, ताकि आप दोनों के बीच में कोई राज ना रहे। और आप दोनों के बीच में कोई भी राज नहीं रहेगा तो यहां पर आपका रिलेशनशिप सेफ एंड सिक्योर रहेगा, कोई भी गलत फहमी नहीं रहेगी। तो ये बात को आपको समझ लेना है। तो आई होप इस पॉइंट को, इस संकेत को भी आप समझ गए होंगे, इसे भी आप जज कर पाएंगे। तो फाइव नंबर पर जो साइन है वो ये है कि आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हर तरह की कोशिश करना। अगर ऐसा संकेत आपको दिख रहा है उसकी तरफ से, अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की तरफ से, तो यहां पर भी आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा चाहता है। साइन ही इज इन लव विद यू, वो आपसे प्यार करता है, मतलब कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए वो हर तरह की कोशिश करता है, हर तरह की कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वो आपको प्यार करता है, तभी तो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं ऐसा करके, अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हो या आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप अपने पार्टनर को बता के देखिए, अगर वो आपकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, आपके साथ खड़ा होता है, आपकी हर संभव हेल्प करता है, आपके लिए हर एक बात मानता है, मतलब कि जो भी आप कहते हैं वो हर एक बात मान लेता है बगैर कुछ कहे, तो यहाँ पर ये संकेत है कि वो आपको प्यार करता है, आपको चाहता है। इससे आपको समझ जाना है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। बहुत सारे लोग चेक ही नहीं कर पाते, जज ही नहीं कर पाते कि उनका पार्टनर उन्हें चाहता भी है या नहीं। तो यहाँ पर ये संकेत है कि आपका पार्टनर आपको चाहता है, आपको प्यार करता है। तो सिक्स नंबर पर जो साइन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप बहुत ही आसानी से चेक करेंगे कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, कितना चाहता है। तो सिक्स नंबर पर जो साइन है वो ये है कि खुद से ज़्यादा आपकी केयर करना, आपकी वैल्यू करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको उसकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि वो आपको खुद से ज़्यादा केयर करता है, खुद से ज़्यादा आपकी वैल्यू करता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, तो यहाँ पर ये संकेत है कि वो आपको प्यार करता है, आपको चाहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको खुद से ज़्यादा चाहें, खुद से ज़्यादा आपकी केयर करें, खुद से ज़्यादा आपकी वैल्यू करें, आपको इम्पोर्टेंस दें, बहुत ही रेयर लोग होते हैं। तो अगर ऐसा पार्टनर आपको मिला है तो यहाँ पर आप लकी हैं, ऐसा आपको दिख रहा है तो ये संकेत है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, चाहता है। क्योंकि तो जब भी आप उनके साथ होते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब कि वो दूसरों के सामने आपको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आपको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आपकी केयर करते हैं, और आपको भी ऐसा महसूस होने लगेगा कि वो आपको कितनी केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो शो अप करते हैं, आपको भी महसूस होगा उनकी केयर का। वो आपको जब केयर करेंगे, आपकी इंपोर्टेंस करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, तो आपको भी महसूस होगा कि सामने वाला इंसान, आपका पार्टनर, आपकी कितनी केयर करता है, आपको कितनी वैल्यू देता है। ये आपको दिल से महसूस होगा, झूठ मूठ का नहीं करेंगे। सच्चा प्यार करने वाले जो लोग होंगे वो झूठ मूठ का ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, वो ऐसा शो अप नहीं करेंगे, वो दिल से ऐसी चीज करेंगे और आपके दिल तक वो चीज जाएगी और आपको भी फील होगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, ये संकेत मिल रहा है, तो यहां पर समझ जाना कि वो आपको सच में चाहते हैं, सच में सच्चा प्यार करते हैं। ये आप मान के चलिए, ये चीज आप समझ लीजिए, ऐसा होता है और मैंने भी महसूस किया है। तो ये छठा पॉइंट हो गया, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सातवें संकेत के बारे में। तो सातवां साइन है वो ये है कि अगर आपका पार्टनर आपको प्यार करेगा, चाहेगा,
तो उसकी तरफ से आपको ये संकेत मिलेगा, वो ये है कि भविष्य की प्लानिंग आपके साथ करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करता है तो यहाँ पर वो आपको चाहता है, वो आपके साथ रहकर भविष्य देखता है, वो सोचता है हम दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो हम दोनों का रिलेशन आगे चल के ऐसा होगा, हम दोनों ये करेंगे अपने रिलेशनशिप में, हम दोनों का रिलेशनशिप सेफ और सिक्योर रहेगा ऐसे करने से। मतलब कि फ्यूचर की बातें वो आपके साथ शेयर करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है आपके साथ, तो यहाँ पर ये संकेत है वो आपसे प्यार करता है, तभी तो वो आगे की सोच रहा है और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है आपके साथ रहते हुए। जो इंसान आपके साथ प्यार नहीं करेगा तो कभी भी वो आपके साथ भविष्य नहीं देखेगा, फ्यूचर नहीं संजोएगा आपके साथ, कभी भी फ्यूचर की बातें नहीं करेगा कि हम ये करेंगे आगे, हमारा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए आगे, तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा जो इंसान आपसे झूठा प्यार करेगा। तो जो इंसान आपको सच में चाहता है, सच में सच्चा प्यार करता है, तो ये एक संकेत कि वो फ्यूचर की प्लानिंग आपके साथ जरूर करेगा, ऐसा साइन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको समझना है कि आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, चाहता है। तो ये सातवां पॉइंट हो गया, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। तो आठवां साइन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी करा था इस पॉइंट को, फिलहाल यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर वो इंसान आपको सच में चाहेगा, आपसे प्यार करेगा आपका पार्टनर, तो ये साइन, ये संकेत आपको जरूर दिखेगा, वो ये है कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंसान आपका पार्टनर आपको सच में चाहेगा, सच में सच्चा प्यार आपसे करेगा, तो वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझेगा, क्योंकि झूठा प्यार करने वाला ये चीज आपके साथ कर ही नहीं सकता। झूठा प्यार करने वाला आपके साथ बहाने बनाएगा कि अभी हम फैमिली से नहीं मिला सकते, फैमिली रिस्ट्रिक्शन लगाती है, हमारे रिलेशनशिप को नहीं मानेगी, हम दोनों लोग चोरी छुपे मिल सकते हैं, ऐसा ही आपको टालता रहेगा अगर कोई इंसान आपसे झूठा प्यार करेगा तो। लेकिन जो इंसान आपको सच में चाहता होगा, सच में सच्चा प्यार करता होगा, तो वो आपको अपनी फैमिली के बारे में भी बताएगा, कोई भी राज नहीं छुपाएगा, और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझेगा, अपनी फैमिली से मिलवाएगा भी। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो आपको समझना है कि वो आपको चाहता है, झूठा प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझता है, इसलिए वो आपको अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता है और अपनी फैमिली से भी मिलवा देता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो यहाँ पर भी आपको समझ जाना है कि वो आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है। तो ये आठवां साइन हो गया, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लास्ट और नाइन्थ साइन के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट और नाइन नंबर पर जो साइन है वो ये है कि आपको कभी अकेला ना छोड़ने वाला, हमेशा आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपका पार्टनर है तो सच में वो आपसे प्यार करता है, सच में आपको चाहता है। अगर आपका पार्टनर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, मतलब कि आपके ओड सिचुएशंस में, आपके बुरे वक्त में वो हर समय आपके साथ रहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, वैसे भले ही आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन जब आपकी ओड परिस्थिति आती है, बुरा वक्त आता है, या ऐसे कुछ खुशी के पल होते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ हो, तो वहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ उपलब्ध होता है, दुख में सुख में वहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी संकेत है कि वो आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर मैंने 9 ऐसे साइन आपको बता दिए हैं, टॉप मोस्ट 9 साइन थे, जिनसे आप बेशक ये 100% जान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है, सच में वो इंसान आपको चाहता है, ये 9 साइन बताते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप ये 9 साइन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इनमें अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया था, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे, और वीडियो को लाइक नहीं किया था वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और इनमें अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर भी आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलता रहेगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्यूरीज हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के द्वारा बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस ना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।